So we had started with applications of biotechnology, and last time we had done about transgenic plants. Transgenic plants हमने दो तरीकों से बताए थे. One is by, जल्दी से बताओ पहला क्या बताया था? Formation of BT cotton. BT cotton. और second हमने कहा था that is by RNA silencing या RNA interference. अब मुझे ये बताइए कि RNA interference प्रभजोत को प्रॉब्लम आ रही थी और प्रथम को प्रॉब्लम आ रही थी. प्रभजोत, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. मैम एक बार मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो. देखो बेटा कुछ भी नहीं करना. देखो क्या था आरएनए इंटरफेरेंस में, तुम्हें आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे समझाती हूँ कि हमने पैथोजन का जीन ली, पैरासाइट की जीन ली. कौन सी जीन ली? जो डिजीज कॉज करती, उसको हमने किसी तरह से, अब ये आप मेरे से पूछोगे किस तरह से, तो दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस, वो नहीं हम डिस्कस करेंगे, बट हमने उसको मॉडिफाई किया. इस तरह से उस जीन को मॉडिफाई किया कि उसके एक तो वो डिजीज ना कॉज कर सके और दूसरा उसके दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब करे. दोनों स्ट्रैंड्स ने प्रमोटर्स लगा दिए, ठीक है? तो दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब करके डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बना लिया. अब हमने उस जीन को हमने किसमें डाल दिया? प्लाज्मिड. दैट इज कौन से प्लाज्मिड में? टीआई प्लाज्मिड में डाल दिया, अटैच्ड विद टीडीएनए. ठीक है, टीडीएनए इज अटैच्ड विद टीडीएनए ऑफ टीआई प्लाज्मिड. और फिर वो मॉडिफाइड प्लाज्मिड हमने किसमें डाल दिया? एग्रोबैक्टीरियम में. एग्रोबैक्टीरियम ने प्लांट सेल्स को टिश्यू कल्चर में इन्फेक्ट किया और जो वो फॉरेन जीन थी, पैरासाइट की जीन थी, वो प्लांट सेल्स के जीनोम में जाकर अटैच कर. अब वो जीन जब एक्सप्रेस की तो उसने क्या बनाया? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है, इधर से पैथोजन ने भी अटैक किया बाय चांस, वो प्लांट बन गया एंड ऑल दैट, फिर पैथोजन ने अटैक किया. तो वहां पे क्या हुआ? जो हमने फॉरेन जीन प्लांट में डाली थी उसने बनाया था डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को किसने तोड़ा? डाइसर ने तोड़ा, छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स बना दी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की, और उन फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए. दिस स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए इज देन अनकॉइल्ड, है ना? इसमें से एक फ्रेगमेंट जो है वो अनकॉइल होती है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड बन जाती है विद द हेल्प ऑफ आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स आरआईएससी. उसमें से एक गाइड स्ट्रैंड है, ठीक है? दो स्ट्रैंड siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो एक फ्रेगमेंट थी, वो उसके दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए. उसमें से एक स्ट्रैंड होता है गाइड स्ट्रैंड, इट गेट्स एसोसिएटेड विद आरआईएससी. ठीक है, आरआईएससी जो है, अब जो है इधर से पैथोजन अटैक किया, उसने अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए उसने क्या किया? उसने एमआरएनए बनाया. तो जो वो गाइड स्ट्रैंड था, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू स्मॉल पार्ट ऑफ द एमआरएनए. एमआरएनए बड़ा था, गाइड स्ट्रैंड उसके छोटे से पार्ट के कॉम्प्लीमेंट्री था. तो अब गाइड स्ट्रैंड जो है वो फटाफट पेयर कर गया किसके साथ? एमआरएनए ऑफ द पैरासाइट. अब इससे क्या हुआ कि एमआरएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए तो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता. ठीक है, इट डज नॉट एक्सप्रेस. सेकेंडली, जो आरआईएससी थी उसके ऊपर एक कौन सा कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड या उसका एक कॉम्पोनेंट था? एर्गोनॉट कॉम्प्लेक्स. उसने क्या, एर्गोनॉट कॉम्प्लेक्स ने क्या किया कि गाइड स्ट्रैंड एमआरएनए कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स, जिससे क्या हुआ? पैरासाइट का जो एमआरएनए है वो इनइफेक्टिव हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, डिग्रेड कर गया. और जब पैरासाइट का एमआरएनए ही डिग्रेड कर गया तो एमआरएनए से प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, और जब पैरासाइट के प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, और क्योंकि प्रोटीन्स ही तो टॉक्सिक है तो वो क्या करेगा? वो होस्ट सेल को कोई हार्म भी नहीं पहुंचाएगा. इज इट ओके? दिस इज यस मैम इंटरफेरेंस, एंड इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, जनरली जो है बेटा आरएनए इंटरफेरेंस, जनरली जो नेचुरल प्रेजेंट है वो है अगेंस्ट वायरसेस. ठीक है, कैसे? क्योंकि वायरस की अगर इंफेक्शन हुई तो क्या हुआ? उसने अपने जीनोम का एक पार्ट हमारे जीनोम में छोड़ ही दिया. ठीक है,
बट धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम ने उस जीनोम के पार्ट को मॉडिफाई किया जिससे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बने. ये सब प्रोसेस जो ये मैंने बताई है इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन ऑल द यूकेरियोट्स. एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस आरएनए इंटरफेरेंस? वो जीन्स किसकी है जो फॉरेन जीन्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं? नेचुरली वो कहां से आई? वो वायरसेस की इंफेक्शन से. इज इट ओके? सो दिस मैकेनिज्म इज नेचुरली प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल. And this mechanism is developed in eukaryotic cells due to viral infection. Okay? But artificially, we can use this process to introduce resistance against any of the pathogens. Is it okay, Pratham? Yes, ma'am. Clear? Everybody clear? Harmanjot, Navraj? Yes, ma'am. Chaliye. Very good. चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मॉलिक्यूलर फार्मिंग. मॉलिक्यूलर फार्मिंग का क्या मतलब होता है बेटा? कि फर्स्ट आ जाते हैं हम इसमें, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फार्मिंग होता है खेती करना, मॉलिक्यूल्स की खेती करना. इसका क्या मतलब है? हम क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स जो है ना, जनरली तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही है, बट हम प्लांट्स की मेन बात करते हैं कि प्लांट्स आर इजी टू ग्रो एंड प्लांट्स डोंट रिक्वायर मच कॉस्ट. क्योंकि वो प्लांट्स एक ऐसी फैक्ट्रीज है जो सॉइल एयर और वाटर से ले सॉइल एयर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स बना देती है. ठीक है, ये हमारी, ये तो चलो अब हमने करना शुरू कर दिया, ज्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए हमें, इसमें पेस्टिसाइड्स डालो, इसमें फर्टिलाइजर्स डालो, ये वो करके. अदरवाइज उन प्लांट्स को ऐसे ही छोड़ दो, अकेले छोड़ दो, तो जितना हमें चाहिए या थोड़ा बहुत अगर हर इंसान ग्रो करे तो उतना प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा. ये तो हमारी ज्यादा की भूख है जो हम बाकी का काम करते हैं, कॉस्ट उसको कॉस्टली बनाते हैं. अदरवाइज इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, कोई जरूरत ही नहीं है. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस लॉट ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स from soil, air, water and sunlight. No extra thing is required. But what is molecular farming? कि हम इन plants में या animals में foreign gene डालकर उससे अपने मुताबिक proteins बनवा सकते हैं. That is molecular farming. ठीक है ना? So here the plants and animals, these are called as biological factories or these are called as bioreactors. These are natural bioreactors in which foreign gene expresses to form lot of specific protein. This is molecular farming. ठीक है जी, तो लिखो इसके बारे में. टॉपिक लिखिए मॉलिक्यूलर फार्मिंग. It is defined as the production of specific proteins coded by transgenes होता है foreign genes engineered in specific plants and animals. तो लिख लो by transgenes in animals or plants. ब्रैकेट में लिख लो ट्रांसजीन्स आर, या फुल स्टॉप करके लिख लो. The transgenes are the foreign genes which are genetically engineered in plants and animals. The proteins recovered from milk, urine,
from a blood of animals. And seeds, and the seeds of plants are called as transgenic proteins. So full stop karke, therefore the production of transgenic proteins in plants and animals is called as molecular farming. Production and recovery bhi hum keh sakte hain. Production and recovery of transgenic proteins from transgenic animals and plants is called as molecular farming. Next point aa gaya. Plants are the chief and the most amazing chemical factories. Which produce thousands of complex chemical molecules with the help of water, minerals, sunlight, and carbon dioxide. Next point I tell you. If the specific genes are introduced in the plants, comma, they serve as bioreactors to form. Then they serve as bioreactors to form compounds such as amino acids, proteins, enzymes, pharmaceuticals, vitamins, drugs, etc. Next point here. जैसे प्लांट्स है ऐसे हम एनिमल्स को भी कर सकते हैं. लाइकवाइज ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड एज मॉडल्स. अभी हम बहुत ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते नहीं है, बट फिर भी हम इस पे रिसर्च कर रहे हैं. ठीक है, प्लांट्स को हम बना सकते हैं. ठीक है, और वैसे भी प्लांट्स को ट्रांसजेनिक्स बनाना इजी है एज कंपेयर टू एनिमल्स, बिकॉज एनिमल्स हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है,
extensively used as models for biomedical research. Full stop. Ma'am. हाँ जी मैम, मॉडल्स के बाद क्या बोला आपने? मॉडल्स फॉर बायोमेडिकल रिसर्च. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड टू किसकी हमने बनाए हैं? इंक्रीज milk yield, to increase milk yield. मैं अभी आपको बताऊंगी कि इसमें lactogen बनाने वाला जो enzyme है वो डाल दी, आगे चल के हम बताएंगे, ठीक है? बट अभी से रख लो. सेकेंड है अगर ग्रोथ हार्मोन डाल दिया जाए, increase in size and ग्रोथ ऑफ एनिमल. ग्रोथ हार्मोन डालते हैं तो जो स्लॉटर हाउसेस है ना, जो इसलिए जो मीट के लिए यूज होते हैं उनको बड़े साइज के एनिमल्स ज्यादा यूज है, तो इसलिए हम उनका ग्रोथ रेट बढ़ा देते हैं. नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ useful proteins such as blood clotting proteins. are obtained from milk of ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की जीन्स हमने काउज में डाली या कैटल में डाली तो उसके मिल्क से मिला. फ्रॉम मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक कैटल, ठीक है? तो उसके जो है हम जो मिल्क में से ये प्रोटीन हम आइसोलेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसको थोड़ा सा पैकेज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं एंड वी यूज इट एज मेडिसिन, ठीक है जी? नेक्स्ट है मोर ऑफ वूल प्रोडक्शन फ्रॉम ट्रांसजेनिक काउज. मोर ऑफ वूल प्रोडक्शन काउज नहीं, आई एम सॉरी, शीप, आई एम सॉरी, ट्रांसजेनिक शीप. या शीप ही कहते हैं, ये तुम्हें पता होगा इंग्लिश में क्या कहते हैं, शीप्स बोलते हैं या सिंपल शीप ही कहते हैं. मैं आपने काऊ लिखा, मैं इमेजिन करने लग गया काऊ को बालों के बूल के साथ. तुम इमेजिन बहुत जल्दी करते हो ना. चलिए जी, तो मोर ऑफ वूल प्रोडक्शन फ्रॉम ट्रांसजेनिक शीप, ठीक है? ये काम अभी हम इन चीजों में सक्सेसफुल हुए, बहुत ज्यादा और तो नहीं, बट ये थोड़ी सी वैक्सीन वगैरह भी है, ठीक है जी? तो दिस इज अबाउट मोलिकुलर फार्मिंग. नेक्स्ट है मतलब प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ या प्रोटीन्स ऑफ फॉरेन जीन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड एज मोलिकुलर फार्मिंग. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स. इनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को और क्या बोलते हैं? जीएम प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स. लिख लो, नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स. अब बेटा मैंने जैसे आपको जब हमने बीटी कॉटन के बारे में किया था या कुछ भी किया था तो हम क्या कहते हैं कि हमने बीटी कॉटन बनाई, ठीक है, या बीटी प्लांट बनाया, ठीक है? तो अब क्या है, इसकी जीन्स जो है, जो हमने फॉरेन जीन्स डाली थी,
विद द हेल्प ऑफ पोलन, अब इसके पोलन उड़ के कहीं और जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे जो कुछ यूजफुल इंसेक्ट्स है वो उनको खा जाते हैं. एंड इट मे बी पॉसिबल दैट इट मे कॉजेज, इट मे हार्म दैट इंसेक्ट, ठीक है. हम वैसे तो ये कहते हैं कि बीटी जो बीटी प्रोटीन्स है, ठीक है, या क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन टॉक्सिन्स है, these are specific to the insects, ठीक है, but specific तो ठीक है, but एक particular जो है वो तीन चार insects के लिए है, ठीक है. हमने जो ball worm, हमने cotton बनाई ball worm के लिए, हमने उसमें जीन डाली, but वो ball worms को तो उसने मारा ही मारा, but कुछ और insects को भी मार सकती है जो कुछ और plants को खाते हैं, but और plants में वो जीन कहाँ से आई, वो जीन कहीं से नहीं आई, बट उस प्लांट के जो बीटी कॉटन थे उसके पोलन उड़ के दूसरे प्लांट पे चले गए, वहां पे वो बैठे हुए हैं क्योंकि जर्मिनेट तो कर नहीं रहे, वहां पे उसके लीव्स पे कहीं कहीं है, तो वहां पे किसी इंसेक्ट ने पॉलिनेशन कर रही है या कुछ कर रही है, तो वो पोलन जो है बीटी कॉटन के खा लिए एंड दैट दैट इंसेक्ट गेट्स किल्ड. तो लिख लो, ये लैब स्टडी, a lab study was conducted and published in the journal Nature. Nature ek bahut bada journal hai, and published in the journal Nature. It showed that pollens of BT corn, मेज जो हमने बीटी मेज बनाई थी, बीटी कॉर्न, कॉजेस मोर्टेलिटी ऑफ कैन यू रिपीट, मैं एक बार दोबारा बताती हूँ, मैं दोबारा से बता रही हूँ. It has been observed in lab studies that pollens of BT corn causes death of monarch butterfly caterpillars which feeds on milkweed vines growing near BT corn. ठीक है, जो मोनार्क बटरफ्लाई है बेटा वो कॉर्न पे फीड नहीं करती है, वो किस पे फीड करती है, मिल्क वीड वाइन्स पर, प्लांट्स पर. ठीक है, फुल स्टॉप करके, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट पोलन्स ऑफ बीटी कॉर्न ब्लोन बाय विंड get settled on the milkweed vines. उड़ के कहीं भी जा सकते हैं, कुछ वहां पे चलेंगे. फुल स्टॉप करके, when the caterpillars of monarch butterfly, when the caterpillars of monarch butterfly accidentally feeds on pollens of BT corn कॉमा करके दे जाए, ठीक है, दस
फुल स्टॉप करके 10 द इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक प्लांट्स may harm the useful insects also. ठीक है, कैसे ये मैंने बता दिया, ये एक वन वे है, और भी कई तरीके हो सकते हैं. ठीक है जी, हाँ जी बेटा बोलो. मैंने ये क्या है कि therefore the insecticidal proteins formed by transgenic plants may kill useful insects also in one or the other way. ठीक है जी. सेकेंड पॉइंट, जैसे हमने थोड़ा सा, आपको अगर याद हो, एवोल्यूशन हमने पूरा तो नहीं किया था, पर थोड़ा सा वहां पे मैंने नेचुरल सिलेक्शन बताया था कि जब हमने डीडीटी छिड़की तो क्या हुआ, पॉपुलेशन में हमारे दोनों तरह के मॉस्किटोज थे, डीडीटी रेजिस्टेंट भी, डीडीटी सेंसिटिव भी. तो जब व्हेन वी स्प्रे डीडीटी, द डीडीटी सेंसिटिव मॉस्किटोज दे डाइड, बट व्हाट इज लेफ्ट, DDT resistant mosquitoes, and when they reproduce, interbreed with each other, there was a large population of DDT resistant mosquitoes. Likewise, in insects also, okay, there may be present different population, mixed population, hame pata to nahi hai. Some may be, chahe wo thode hi ho, some may be resistant to the particular pesticide protein. Okay. So, if we continuously use, अगर हम ऐसे प्लांट्स ही बना देंगे तो क्या होगा, धीरे 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 धीरे, नॉट एट द यू नो इन क्विक टाइम, बट धीरे धीरे 10 साल 20 साल 50 सालों में एक इंसेक्ट्स की ऐसी पॉपुलेशन आ जाएगी जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने बीटी कॉटन बना दिया या बीटी यू नो कॉर्न बना दिया या बीटी ब्रिंजल बना दिया, दे आर रेजिस्टेंट टू द यू नो दिस क्राइपोटी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. As some populations of mosquitoes, या हम ऐसे मत लिखो, या लिखो due to use of DDT, there is increased production of, DDT resistant mosquitoes. Full stop करके likewise, it is possible that if we use and grow pest resistant crops, comma, there will be increased population of pesticide resistant insects. क्योंकि pesticide से तो बना रहे हैं ना, क्राइपोटीन इज ए pesticide. There will be increased population of pesticide-resistant insects. और थर्ड आ जाता है बेटा,
हमने क्या किया कि हमने ये प्लांट बना दिया हर्बिसाइड रेजिस्टेंट. क्रॉप प्लांट्स और यहाँ पे इनके साथ साथ थोड़े से क्या ग्रो कर रहे हैं, दीज आर बीट्स विच आर किल्ड बाय हर्बिसाइड्स. बट देयर अकर्स है ना नेचर में बेटा, हम कहते हैं कि इंटर स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकते बट नेचर में सब कुछ हो रहा है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, देयर अकर्स इनकी क्रॉस ब्रीडिंग इन नेचर द हर्बिसाइड या जीएम प्लांट्स मे क्रॉस ब्रीड विद द वीड्स रिजल्टिंग इन इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट जीन्स इन द वीड्स. जरूरी नहीं हमेशा हो बट दे मे रिजल्ट इन. इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सुपर वीड्स. इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सुपर वीड्स which are tolerant to the herbicide. Or by cross hybridization the resistant genes may be lost from the crop plants. मैम ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल नहीं होती जब दोनों प्लांट और वीड्स में काफी क्लोज हों एक दूसरे के, तभी वो ग्रो कर रहे हैं एक ही कंडीशंस में एक साथ. मैम उनके मतलब फैमिली सेम फैमिली हो सेम इधर में कुछ भी हो सकता है, इसमें बहुत कुछ हो रहा. ठीक है, इसलिए किसी ना किसी वे में. मैम जो हाँ बेटा वो बात ठीक है, जहां तक पड़ा है हम यही कहते हैं कि इंटर स्पेसिफिक ही हो सकती है, इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकती, ये सब है. बट किसी तरह से मेरा मतलब इंट्रोडक्शन हो सकती है. नेचर में क्रॉस पॉलिनेशन इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है, इंटर जेनेरिक भी हो सकती है, इसमें भी कोई बात नहीं. मैम सॉइल के थ्रू एक दूसरे से वो शेयर कर सकते हैं, कैसे शेयर प्रोटीन्स अगर हो पॉसिबल? ना 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 कैसे? मतलब सिर्फ एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एक मेथड बन जाता है. ओके ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा. नेक्स्ट पॉइंट है फर्दर, नेक्स्ट आ जाता है फर्दर द ट्रांसजेनिक फूड्स may cause toxicity and produce allergies in humans.
ट्रांसजेनिक फूड्स मे कॉज टॉक्सिसिटी एंड एलर्जीज इन ह्यूमन. नेक्स्ट है द ट्रांसजेनिक फूड्स मे किल यूजफुल बैक्टीरिया इन अवर गट. ट्रांसजेनिक फूड्स मे किल यूजफुल बैक्टीरिया इन अवर गट. एंड लास्ट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ जीएम प्लांट्स and taking them into markets is a lengthy and costly process. ठीक है, तो दिस इज नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स. कैसे बनाते हैं ये आपको पता है, बट क्या फायदा है? ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स या जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, GEMS, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, GEMS, जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, दीज आर इजी टू बी फॉर्म as compared to plants and animals. Okay. Secondly, they grow quickly in कल्चर मीडियम. इसलिए हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स यूज करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है दीज आर लाइव फैक्ट्रीज. फॉर प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्रोटीन. These are live factories, such as, for example, transformed E. coli. Plants and animals को जो है हम यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो उनको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक्स. अगर प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया मॉडिफाइड है तो उनको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड. ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन एच का मतलब ह्यूमन, ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन, एरिथ्रोबायोटिक किस लिए यूज होता है? फॉर मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसीज, लिख लेना ब्रैकेट में फॉर मैच्यूरेशन ऑफ आरबीसीज. ट्रांसफॉर्म्ड ई कोलाई इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरल्यूकिंस. इंटरल्यूकिंस का क्या फंक्शन है?
ग्रोथ ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनो मॉड्यूलेटर आप कह सकते हो. दीज आर इम्यूनो मॉड्यूलेटर. Another is, it is also used for producing interferons. Interferons, you know, antiviral proteins. These are antiviral proteins. Okay. सेकेंड आ जाते हैं बेटा ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स या ट्रांसफॉर्म्ड माइक्रोब्स, कुछ भी आप कह सकते हो. आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. For protection of environment. For example, such as आपको पता है, मैंने आपको बताया था transformed Pseudomonas utida, जिसको हम सुपर बग भी कहते हैं. हाँ जी जल्दी से बताओ, इट इज यूज्ड फॉर ईटिंग या क्लीनिंग? जल्दी से बताओ, ये बताया है बेटा मैंने आपको. इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑयल पोल्यूशन. इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑयल पोल्यूशन. सेकेंड एग्जाम्पल आ जाता है बेटा स्यूडोमोनास स्पीशीज, कोई और स्पीशीज है, नॉट पुटिडा बट स्यूडोमोनास स्पीशीज इज ट्रांसफॉर्म्ड टू रिमूव हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द सॉइल. टू रिमूव हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द सॉइल. Another example is transformed acetobacter aerogels. Acetobacter aerogels is used for decomposition of DDT. DDT generally डीकम्पोज नहीं होता है, बट कुछ इसकी जीन्स को मॉडिफाई किया गया है एसिटोबैक्टर एरोजेंस को फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ डीडीटी. तो दस ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाते हैं. मैम प्लीज वेट. कर लो कर लो. मैम टू रिमूव हैवी मेटल पोल्यूशन कौन था? एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए एक तो स्यूडोमोनास फुटिडा था, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया,
दूसरा स्यूडोमोनास स्पीशीज विच इज हैवी मेटल पोल्यूशन को जो रिमूव करता है, एसिटोबैक्टर एरोजेंस जो डीडीटी को डीकम्पोज करता है. ठीक है जी. नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड यीस्ट. ठीक है. उसके बाद वैक्सीन्स फॉर वैक्सीन्स अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा हर्पीस एंड रेबीज वायरस. वैक्सीन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा हर्पीस एंड रेबीज वायरस इज ऑल्सो डेवलप्ड इन माइक्रोब्स बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. इन माइक्रोब्स बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है जी. इज इट ओके? यस मैम. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज. एक और हम बात करते हैं या रोल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं कहकर रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज. बेटा हम कौन सी दो मेन टेक्निक्स यूज करते हैं? दैट इज फर्स्ट इज पीसीआर, सेकंड है अलाइजा और एक थर्ड है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. मैं अभी बताती हूँ. ठीक है. तो बेटा पीसीआर से हम क्या करते हैं, ध्यान से पहले सुनो फिर लिखना. पीसीआर से हम है वी कैन डायग्नोज डिजीज एट एन अर्ली स्टेज. बिफोर इट्स symptoms appear in case of probable patients. जरूरी नहीं है उनमें वो डिजीज, बट हमें लगता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है. तो हम कैसे देखें? दैट इज कि हम उनके PCR, हम क्या करते हैं, उनका लेटर से कोई पैथोजन ब्लड में होता है, हम उनका ब्लड लेते हैं, उसमें से उनको स्कैन करते हैं, फिर पर्टिकुलरली डीएनए को जो है, कई डीएनए को हम क्या करते हैं, फिर हम PCR से उसको मल्टीप्लाई करके उसको स्टडी करते हैं कि किसी पैथोजन का डीएनए तो नहीं है. जैसे HIV है, ठीक है, PCR से हम HIV के सिम्टम्स जो है वो 10 साल बाद भी आ सकते हैं. बट हम क्या देखते हैं, अभी इसके हस्बैंड को HIV है बट वाइफ को HIV नहीं नजर आ रहा, कहीं सिम्टम्स हैं कुछ नहीं है, ये वो करते. तो हम PCR से हम उसमें जो है उसके DNA को मल्टीप्लाई करके स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, कौन से के, उसके लिम्फोसाइट्स या मैक्रोफेजेस को हम निकालें, उसके जीनोम को हम क्या करें,
उसको पीसीआर से रेप्लिकेट करें, बहुत सारी कॉपीज बनाएं और उसको फिर डिटेल में स्टडी करें कि क्या किसी सेल में एचआईवी बैक्टीरिया का जीनोम तो नहीं, एचआईवी वायरस का जीनोम तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको प्रोटेक्ट, मतलब अर्ली बिफोर अपियरिंग ऑफ सिम्टम्स हम उसको कुछ मेडिसिन दे के इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आगे चल के उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव रहे और उसको डिजीजेस ना हो। और नॉट ओनली एचआईवी, वेरियस अदर डिजीजेस को भी हम पहले से ही प्रिवेंट, उसके लिए हम एक मैकेनिज्म बना सकते हैं कि इसको कैसे पेशेंट को हेल्दी रखा जाए, इसको ये डिजीज ना हो। दूसरा है एलाइजा। एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा इज ए बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक विच हेल्प्स इन डिटेक्टिंग, ये मैंने बताया था आपको, विच हेल्प्स इन डिटेक्टिंग आइदर द एंटीजन और द एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट एंटीजन। एलाइजा की टेक्निक किसी टाइम हम पढ़ाया करते थे, बट अब टेक्निक नहीं है आपके सिलेबस में, इसलिए सिर्फ इसके फुल फॉर्म आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि एलाइजा से हम किसी एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और किसी एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं बेटा, लेट अस से इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ म्यूटेंट जीन्स। कैसे, एक पर्टिकुलर सिम्टम आ रहा है, हमें नहीं पता कि ये म्यूटेशन के कारण है, क्या है क्या नहीं। अब म्यूटेटेड जीन है, ऐसे तो दिख नहीं रही कि भी ये म्यूटेटेड है, कैसे पता चले। तो हम क्या करते हैं, हम नोन सीक्वेंस ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, हमें पता है उस जीन का क्या सीक्वेंस है, इज मेड सिंगल स्ट्रैंडेड, एक तो उसका एक स्ट्रैंड ले लिया, एंड इज रेडियो एक्टिव। हमने ये इज मेड सिंगल स्ट्रैंडेड एंड मेड रेडियो एक्टिव एंड रेडियो एक्टिव, हमने नोन सीक्वेंस, हमें उस जीन का सीक्वेंस पता है, हमने लैब में एक आर्टिफिशियल जीन की सिंगल स्ट्रैंडेड जीन जो है वो बना ली। डू यू गेट मी, समझ में आई कि वो हमने एक आर्टिफिशियली बना लिया। सो दिस इज कॉल्ड एज डीएनए प्रूफ, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है बेटा, the gene of the patient is taken, वो भी हमने ले ली, it is denatured to make it सिंगल स्ट्रैंडेड एंड इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज विद डीएनए टू। इफ देयर इज नो म्यूटेशन then the gene will hybridize with this DNA code, and if there the gene is mutated, so wo uske sequences to milenge na, mutated gene hai, it will partially hybridize or it will not hybridize with the DNA probe, aur jab wo DNA probe ke sath hybridize nahi karegi to wo sari, uske baad hum washing karte hain, so jo unpaired DNA hai wo wash off ho jata hai, ठीक है। तो इससे जो है हमें पता चल जाता है, अगर वो वॉश ऑफ हो गया, डीएनए प्रोब के साथ नहीं बाइंड हुआ, तो हम क्या सोचेंगे कि ये जीन जो है वो क्या है, म्यूटेटेड जीन है। अगर डीएनए प्रोब के साथ बाइंड कर जाता है, देन द जीन इज
नॉन नेटिव. इज इट ओके? समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? यस. ठीक है जी, तो लिखे हम जरा जल्दी से. मैम वो तो हम वैसे भी देख सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बन रहा या फिर कुछ. देखो प्रोटीन वो कई कारणों से नहीं बन सकता. कि भाई वो क्या है कि भी पर्टिकुलर अगर प्रोटीन नहीं बना, हमने तो देख लिया कि ये प्रोटीन के डेफिशिएंसी से हो सकता है. बट प्रोटीन ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई इनहिबिटर है जिसके कारण प्रोटीन नहीं बन रहा, कोई आप ऐसी मेडिसिन ले रही हो, कोई मतलब कोई दूसरी जीन म्यूटेटेड है जो इनहिबिटर बना रही है. जो फंक्शनल जीन थी जिससे प्रोटीन बनाना था वो तो ठीक है. ठीक है, तो इतना इजी नहीं है. ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी कुछ भी है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. ठीक है, तो एग्जैक्ट रीजन देखने कि क्या ये इनहिबिटर के कारण तो नहीं, कोई एपिस्टेसिस तो नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ ये तो नहीं. तो ये हमें देखना पड़ता है कि ये किस कारण जो है एक पर्टिकुलर जीन फंक्शन नहीं कर. इज इट ओके? ठीक है जी, तो अब आ जाइए. द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इज सस्पेक्टेड ओनली when there appears symptoms of the particular disease. But by this time, the number of pathogens has become very high in the body. And sometimes it becomes difficult to cure it. Thus, very low count of bacteria or virus can be detected by multiplication of their nucleic acids by PCR. For example, PCR is used to detect HIV in suspected AIDS patients. Suspected AIDS patient. It is also used to detect mutations. क्योंकि इसके लिए पहले हमें PCR करना पड़ेगा. अगर हम recombinant technology कर रहे हैं, इससे पहले हमें PCR भी करना पड़ेगा. It is also used to detect mutations in genes in suspected cancer patients as well as in many other genetic disorders before doing the recombinant technology. ठीक है भाई, इसको डबल करना. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. ELISA की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक
इम्यूनोसॉर्बेंट SORBENT इम्यूनोसॉर्बेंट SASSAY एसए का मतलब होता है डिटेक्शन एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसए इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ antigens or antibodies against specific antigens present in our body. और ये बहुत अब जो लाइन मैंने पा रही स्टार डाल के लिख लेना ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये कैसे बायोटेक्नोलॉजी के क्योंकि ये बहुत थोड़े अमाउंट में भी एंटीजन या एंटीबॉडी हो तो उसको डिटेक्ट कर लेती है तो लिख लो फुल स्टॉप करके अंडरलाइन करना इसको स्टार डाल के लिख लो इट कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इट कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी With the help of enzymes such as peroxidase or alkaline phosphatase. Peroxidase or alkaline phosphatase. ठीक है जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा दैट इज रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी It involves blotting techniques. For example, sublimation blotting. For detection of DNA, Methylene blotting for detection of RNA, और तीसरा आ जाता है Western blotting. For detection of protein. ठीक है तो बेटा जो सदरन ब्लॉटिंग थी वो ईएम सदरन ने डिस्कवर की थी डेवलप की थी आप कह सकते हो ईएम सदरन नाम था साइंटिस्ट का उसके बेसिस पे नदरन ब्लॉटिंग कर दी वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर दी कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है नदरन या वेस्टर्न का बट देर इज नो नेम सच एज ईस्टर्न ब्लॉटिंग ईस्टर्न ब्लॉटिंग कुछ नहीं है सदरन ब्लॉटिंग नदरन ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग मम्मी इसमें करते क्या है मैं अभी बताऊंगी बेटा ठीक है इसमें हम कोई जिस हमें पता है कि ये नॉन सीक्वेंस डीएनए का होना चाहिए ठीक है बट किसी में म्यूटेटेड है ठीक है तो वो उसकी मेरा मतलब ये देखने के लिए कि म्यूटेशन है या नहीं है ठीक आरएनए बन रहा है कि गलत आरएनए बन रहा है ये वाला प्रोटीन बन रहा है कि नहीं बन रहा दिस वेसी ठीक है तो ये हम नेक्स्ट टाइम करें बेटा ठीक है क्योंकि नदरन ब्लॉटिंग मैं सॉरी सदरन ब्लॉटिंग इसमें हमने सदरन ब्लॉटिंग करनी है ये मैं आपको थोड़ी डिटेल में करवा दूंगी क्योंकि इसके बाद ही आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी समझ में आएगी जब सदरन ब्लॉटिंग आ जाए ओके ठीक है जी तो क्योंकि आज मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि भी
हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है या समथिंग इज नॉट